स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी स्क्रीन चैनल पे जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ इनविंसिबल सीजन वन को तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की सीरीज की शुरुआत हमें मॉलर ट्विन से दिखाई जाती है जो दोनों ही व्हाइट हाउस को कॉन्कर प्रेसिडेंट को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उसी दौरान हम गार्डियंस ऑफ ग्लोब्स को पहुंचता हुआ देख सकते हैं जो से डिफीट करने के लिए पहुंचे हैं और उन्हीं के साथ हम ओमनी मैन को भी नोटिस कर पाते हैं जो टीम में तो नहीं लेकिन हाँ वो कभी कभी उनका साथ देता है जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल होते ही ओमनी मैन वापस अपने घर जाता है जहाँ हम देख पाते है की उसकी वाइफ और उसका बेटा भी है साथ ही नोलन अपने बेटे मार्क्स से उसकी पावर्स के रिलेटेड बात करता है जो उसे अभी तक नहीं मिली पर उसी रात मार्क को अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है और वो अपने फादर को इसकी इंफॉर्मेशन देता है जिसके बाद के हम देख पाते हैं यानी है अपने बेटे मार्क को उसके पावर्स को हैंडल करना सिखाता है और साथ ही उसकी यूसेज भी बताता है जो काफी अच्छे से मार्क कैप्चर कर रहा होता है और उनके पावर्स की बात करें तो मार्क के पास ठीक अपने फादर की तरह सुपर स्ट्रेंथ है जिसके साथ साथ वो उड़ भी सकता है और कुछ समय ट्रेनिंग ले लेने के बाद हम कुछ दिनों बाद उसे देख सकते हैं जो अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए सिटी में कुछ लोगों से भिड़ चुका है लेकिन उसी दौरान उसके पास पहुंच उसके बनाए हुए सूट को देख उसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास ले जाता है ताकि वो मार्क की स्ट्रेंथ और उसकी पावर के अकॉर्डिंग उसके लिए कपड़े बना सके लेकिन मार्क सभी लोगो के सामने एज अ मार्क रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जिसके लिए उसे अब एक अच्छा नाम भी चाहिए जिसके कुछ दिनों बाद वो लोग अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हैं और उसी ट्रेनिंग के दौरान हम देख पाते हैं कि नोलन और मार्क के बीच बातचीत होती है जहाँ हम नोटिस कर पाते हैं की मार्क को ऐसा लग रहा है की वो इन सारी चीजों के लिए काफी नहीं होगा लेकिन उसके फादर उसे काफी अच्छे से समझाते हैं और उसी कारण वो लोग उसका नाम रखने में भी कामयाब होते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि इनविंसिबल है जिसके बाद क्या वो लोग यहाँ से निकल सीधा उसके कॉस्ट्यूम के पिक करते हैं जिसे टेस्ट करने के लिए मार्क के सामने एक विलन भी आ खड़ा होता है जिसका सामना भी वो काफी अच्छे से करता है और जब मार्क इन्ही सारी चीजों में व्यस्त था तो हम देख पाते हैं की Nolan ने यानी कि ओमनी मैन ने गार्डियन की टीम को जमा किया वो भी धोखे से और एक एक कर ब्रूटली उनकी जान ले ली जिस प्रोसेस में वो भी बेहोश हो गया जिस कारण गार्डियंस की डिफेंस टीम वहाँ पहुँचती है और वहाँ सभी लोगो को रिकवर करने की कोशिश करती है लेकिन ऑलरेडी सभी लोगो की मौत हो चुकी है जिनमें से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा है जो और कोई नहीं बल्कि ओमनी मैन है जिसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ डेबरा और का पहुँचते हैं पर माँ ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता क्योंकि उसे पता चलता है कि एलियंस ने जिन्हें फ्लेक्सेंस कहा जाता है उन लोगों ने अर्थ पर अटैक कर दिया है जिनसे डिफीट करने के लिए मार्क अकेले ही बढ़ता है लेकिन हम देख पाते हैं कि उसमें उसका साथ देते हुए पहुँचते हैं जिनमें हम ड्यूप्लीकेट रैक्स स्प्लोड और एडम को देख पाते हैं जिन चारों के साथ मिल मार्क उन एलियंस को डिफीट कर पाता है जिसके बाद दूसरे दिन हम देख पाते है की मार्क स्कूल में एडम को पहचान जाता है जिसे सभी लोग स्कूल में ई के नाम से जानते हैं और उसने अपनी आइडेंटिटी ठीक मार्क की ही तरह सभी से छुपा रखी है और फिर हम फिर से देख पाते हैं कि फ्लैक्स वापस अर्थ पर लौट चुके हैं लेकिन इस बार वो लोग काफी ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर से टीन्स की टीम और मार्क मिल सभी लोगो को फिर से अर्थ से भगाने में कामयाब होते हैं जिसके साथ साथ मार्क को ये गुड न्यूज मिलती है की उसके फादर रिकवर कर चुके हैं जिसके बाद ये सीन मूव होता है सीसिल स्टेडमेन की तरफ जो की जी का डायरेक्टर है और वो नोलिन यानी कि ओमनी मैन से गार्डियंस की डेथ के बारे में पूछ है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ओमनी मैन उसे सच न बताते हुए झूठ कहता है पर फिर से इस बार हम देख पाते हैं कि फ्लैक्स लौट चुके हैं जिनका सामना टीम की टीम कर तो रही है लेकिन इस बार उन लोगों के साथ ओमनी मैन भी है और जब वो सभी यानी वापस अपने प्लेनेट लौट रहे होते हैं तो ओमनी मैन उनके प्लेनेट में जाकर उन्हें यही समझाता है की अर्थ उनके कंट्रोल या फिर कैप्चर करने की चीज नहीं और इतना कहकर ओमनी मैन उनके पूरे शहर यानी की उनके पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर देता है जिसके बाद फिर से बड़ी गार्डियन के हेड क्वार्टर की, की तरफ तो हम देख पाते हैं कि डार्क ब्लड जो कि एक डीमन है और साथ ही एक डिटेक्टिव है जिसका ये मानना है कि गार्डियंस को खत्म करने में और किसी का नहीं बल्कि उनमें से ही किसी एक का हाथ है और जब गार्डियंस का फिनेटर किया जाता है तो वहाँ हम सीसल को देख पाते है जो रोबोट को न सिर्फ उसकी टीम में शामिल होने के लिए कहता है बल्कि उसके लिए एक नई टीम अपॉइंट करने के लिए भी कहता है ताकि वो लोग नई गार्डियंस की टीम को बना सके जो रोबोट काफी अच्छे से करता है वो भी मार्क के साथ मिले क्यूँकी मार्क गार्डियन की टीम में शामिल नहीं है और वो सिर्फ उन्हें इलेक्ट करने के लिए आया है क्योंकि उसके फादर ने उसे खुद की ट्रेनिंग में रखा हुआ है अब बात करें गार्डियन की टीम में तो हम देख पाते हैं कि गार्डियन की टीम में और किसी को नहीं बल्कि रेक्स मोस्टेगल ब्लैक सेम और डुब्लिकेट को शामिल किया गया है साथ ही हम देख पाते है की मार्क के बेडरूम में सीसल पहुंच से हेल्प मांगता है जिसके लिए मार्क ग्रेटफुल है और साथ ही वो अपनी लव इंटरेस्ट एम्बर को अकेला छोड़ डॉक्टर साइसमैन को रोकने के लिए चला जाता है वो भी एडम के साथ मिल जिसके बाद फाइट खत्म करते ही मार्क जल्द से जल्द घर लौटता है और एम्बर से सॉरी भी कहता है लेकिन वही बात करें ईव की तो हम देख पाते हैं कि वो अपने ब्रेकअप से बिल्कुल खुश नहीं जिस कारण वो माँ के पास बात करने के लिए जाना डिसाइड करती है पर वहाँ पहुँचते ही वो देख पाती है की माँ और एम्बर ऑलरेडी करीब है जिस कारण वो उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए वहाँ से चली जाती है और अब फाइनली बड़ी मॉल ट्विंस की तरह तो हम देख पाते हैं कि वो लोग प्रिजन से भागने में कामयाब होते हैं लेकिन उस अटैम्प्ट में एक मॉल ट्विन की डेथ हो जाती है अब बात करें उन लोगों के यहाँ से निकालने में उनकी हेल्प किसने किया तो वो और कोई नहीं बल्कि रोबोट है जिस बारे में सीसल को भी पता चल जाता है साथ ही हम डार्क ब्लड को देख पाते हैं जो डेब्रो से आकर मिलता है और उसे नोलिन के बारे में बताता है कि उसे उस पर शक है लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती क्यूँकी नोलिन आप पहुँचता है साथ ही हम देख पाते है की नोलिन अपनी बेटी माँ को अपने प्लान के बारे में भी बताता है साथ ही हम देख पाते हैं कि ड्रैब्रा कुछ समय निकाल डार्क ब्लड की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश तो करती है लेकिन ओमनी मैन के रहते यानी उसके हस्बैंड के रहते वो नहीं कर पाती पर हम देख पाते है कि नोलन की नोलिन को ऑलरेडी डार्क ब्लड के यहाँ आने का पता है जिस कारण वो उसे कन्फ्रंट करता है और उसकी फैमिली ऐसी दूर रहने के लिए कहता है और उसे ये भी बताता है की उसे गार्डियन की डेथ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं साथ ही बात सीसल की तो हम देख पाते हैं कि उसने नोलन को एक नया काम दिया है जो कि एस्ट्रोनॉट को उन्हें फॉलो करते हुए मार्स तक जाना है लेकिन उसके लिए नोलिन मना कर देता है पर मार्क उनकी जगह लेने को रेडी है और तब तक के लिए नोलन अपनी वाइफ डेबरा के साथ वेकेशन इंजॉय कर लेगा जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा डार्क ब्लड उठाता है और हम देख पाते हैं की बहु नोलिन के घर कुछ क्लूज ढूंढने के लिए पहुँचता है लेकिन वहा उसकी मुलाकात सीसिल से हो जाती है जो उसे यहाँ से वापस हेल्प भेज देता है ताकि सीसिल इस बारे में खुद पता करे और वही दूसरी तरफ बात करे माँ की तो उसकी आँख लग गई थी और खुलते ही उसे पता चलता है की एस्ट्रोनॉट गायब है जिन्हें ट्रैक करते हुए वो मार्शन की हाइड आउटा पहुँचता है जहाँ उसे पता चलता है की एस्ट्रोनॉट को कैप्चर इसीलिए किया गया था क्योंकि इस प्लेनेट पर कुछ पैरासाइट्स हैं जो इंसान पर कंट्रोल कर उनके पूरे अर्थ या फिर उनकी दुनिया को बर्बाद कर देते हैं लेकिन एनिहा माक उन सभी को सिचुएशन से लेकर निकलने में कामयाब होता है पर जाते जाते हम देख पाते हैं कि एक पैरासाइट ने एक एस्ट्रोनॉट को अपना होस्ट बना लिया है लेकिन उसके बाद हम देख पाते हैं कि मार्क अपने सुपर हीरो लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा तवज्जो नहीं देता जिस कारण वो अपनी फ्रेंड्स फैमिली और गर्लफ्रेंड से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और उसी के साथ हम देख पाते है की डेबरा को फाइनली डार्क ब्लड की डायरी मिलती है जिसमे काफी सारी इंफॉर्मेशन उस मर्डर के रिलेटेड होती है और उस कारण डेबरा ओमनी मैन के उस ड्रेस को ढूंढना शुरू करती है जिसके बाद क्या हम मार्क को देख पाते हैं जिसकी मुलाकात टाइटन नामक एक शख्स से होती है जो खुद को स्टोन में बदल सकता है लेकिन अब वो मार्क से एक हेल्प चाहता है ताकि वो अपने बॉस मशीन हेड को खत्म कर सके जिसमें मार्क उसका साथ देने को तैयार है वही बात करी मॉलर टूं की तो हम देख पाते हैं कि उसने फिर से अपना ट्विन बना लिया है और वही उनकी मुलाकात रोबोट से भी होती है जो उन लोगो को आकर बताता है कि की उसे रेक्स के डी को क्लोन करना है ताकि वो खुद उसमें फिट हो सके पर वही बात करी मार्क और टाइटन की तो हम देख पाते है की उन्हें ये रियलाइज होता है की मशीन है और उसकी टीम को खत्म करना इतना आसान नहीं पर फिर भी वो बगैर कुछ सोचे समझे उसका सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं जिसमें वो लोग बुरी तरह पीटे जाते हैं और उसी दौरान उनकी हेल्प करने के लिए और कोई नहीं बल्कि गार्डियंस की टीम पहुंचती है जहा कर वो सभी उन लोगों का सामना करने में तो कामयाब होते हैं लेकिन बैटल बी से नहीं जी पाते है जिसमें उन सभी को काफी ही घायल कर दिया है जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है क्योंकि सीसल और उसकी टीम उन सभी को एड करने के लिए उस सिचुएशन में आ पहुंचती है जिसके बाद क्या सभी लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हम देख पाते हैं कि मार्क सर्वाइव कर चुका है वही बात करे दूसरों की तो अभी भी उन्हें रिकवर होना बाकी है लेकिन कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि माक को विलियम रिक्स स्कूल में इनवाइट करता है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है साथ ही उस कारण माक को ये समझ आता है कि वो एम्बर के साथ फिर से अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है वही बात करे डेबरा की तो उसे फाइनली ओम निमैन का वो सूट मिल चुका है जैसे वो टेस्ट करवाती है तो उसे क्लियरली उसे समझ आ जा जाता है की गार्डियन ऑफ द ग्लोब्स को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी का हस्बैंड था और फिर से बड़े रिक्स स्कूल की तरफ तो हम देख पाते हैं कि विलियम जब मार्क और एम्बर को स्कूल कट और दे रहा होता है तो उसी दौरान साइबर तो उसी दौरान कुछ साइबो उन लोगों पर हमला कर देते हैं जिनका सामना मार्क करता है और उस प्रोसेस के कारण मार्क को पहचान जाता है की वही इनविंसिबल है पर कुछ समय बाद विलियम को पता चलता है की उसकी एक फ्रेंड रिक्स को किसी ने किडनेप कर लिया है जो और कोई नहीं बल्कि एक सेंकुलियर है जो इंसानों को मशीन में टर्न करता है और उसे बचाने के चक्कर में विलियम भी उनसे पकड़ा जाता है इस बारे में मार्क को पता चलता है जिस कारण वो उसे भी बचाने के लिए सीधा उस सिंक्लियर की लोकेशन पर आ पहुंचता है जहां काफी सारे उन लोगों पर हमला कर देते हैं जिनमें रिक्स भी शामिल है लेकिन विलियम उसे अपने सेंसेस मिलाने में में लाने कामयाब होता है जिसके बाद टीम इस पूरे सिचुएशन को क्लियर आउट करती है साथ ही हम देख पाते है की रेबरा ने फाइनली अपने हस्बैंड को कंफर्म किया है वो भी गार्डियन की डेथ को लेकर जिसका रिप्लाई तो वो पहले नहीं देता लेकिन फिर दूसरे दिन उसे सच कह देता है की हाँ उसी ने गार्डी गार्डियंस को खत्म किया है जिस कारण अपने हस्बैंड से उसका ट्रस्ट उठ जाता है और उसके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि सीसल और उसकी टीम उसे वहाँ से सीधा के जाती है जहाँ पहुंचते ही ड्राइवरा को पता चलता है की सीसल को इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी यानी गार्डियन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि नोलिन था इसकी इन्फॉर्मेशन सीसल के पास पहले से है लेकिन उसे ये जानना था की एक्चुअल में नोलिन ये क्यूँ कर रहा है जिस कारण ही उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया साथ ही हम मॉल के हाइड आउट आरोप देख पाते हैं कि लोगो ने रेक्स के ब्लड से एक नई बॉडी तैयार कर ली है जो रोबोट के लिए एक नई बॉडी का काम करेगी जिसके बाद फिर से बड़े मार्क की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो ईव से बैठ कर बातचीत कर रहा होता है लेकिन उसी दौरान वो लोग आसमान में अजीब सी चमक नोटिस कर पाते है जिसे चेक करने के लिए वो लोग जाने का डिसाइड करते हैं लेकिन हम देख पाते है की वो और कोई नहीं बल्कि सिसिल और ओमनी मैन है जो ओमनी मैन को मार्क के पास पहुँचने ऐसी रोक रहा है और जब तक मार्क उन लोगों तक पहुँचे तो उसकी नजर एक काफी जायंट एलियन पर बढ़ती है जो उसके फादर पर हमला कर रहा है जिस एलियन को और किसी ने नहीं बल्कि सिसल ने भेजा है जिस कारण वो अपने फादर के साथ उस फाइट को ज्वाइन करता है और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ने और किसी को नहीं बल्कि इमोटल को जिंदा कर दिया है ताकि वो लोग उसे कंट्रोल कर सके लेकिन ऐसा होता नहीं जो उठते ही ओम न्यूमैन ऐसी बदला लेने के लिए सीधा उसी लोकेशन पर आरोप पहुंचता है और उस फाइट के दौरान जो सारी चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट ही चल रही थी तो हम देख पाते हैं कि ओम निमेन लाइव ब्रॉडकास्ट पर ही इमोटल को खत्म कर देता है जिसके बाद वो अपनी बेटी मार्क से बात करने का डिसाइड करता है और उसे सच बताने का और हम देख पाते हैं कि नोल अपनी बेटी मार्क को अपनी सच्ची आइडेंटिटी बताता है कि वो विल्ट और साथ ही उन्हें ऐसा ट्रेन किया गया है कि वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर उन्हें कॉन्कर कर सके वो भी अपनी एक फैमिली बसाते हुए जिसमे उसकी मॉम उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी जो चीज मार्क को पसंद नहीं आती और साथ ही वो अर्थ को कॉन्कर होता हुआ नहीं देख सकता जिस कारण वो अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है जिसे बार बार उसके फादर समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं मानता और उससे उन दोनों के बीच एक फाइट छिड़ जाती है जिस प्रोसेस में उसके फादर काफी सारे लोगों को खत्म कर देते हैं लेकिन फिर भी उनकी फाइट वही नहीं रुकती जहाँ नोलिन ऑलमोस्ट माँ को मारने ही वाला होता है पर उसे उसके बचपन के विजन आने लगते है जिस कारण वो उसे उसी लोकेशन पर छोड़ गैलेक्सी की तरफ निकल जाता है जिसके बाद हम सीसल की टीम को देख पाते हैं जिसने माँ को सिचुएशन से रेस्क्यू कर लिया है साथ ही ट्विन्स को भी फिर से कैप्चर कर लिया गया है वही बात करिए मां को जो अब हॉस्पिटल में है जिसके कुछ दिनों बाद माँ के ठीक होते ही वो सभी लोगों से मिलता है जिस दौरान उसे सीसल का कॉल आता है जो उसे एक हेल्प चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि स्पेस से उनकी तरफ कुछ बढ़ रहा है जिस कारण मार्क्स की तरफ जाता है और हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात एलन नामक एक शख्स से होती है जो अर्थ पर विल्टर माइक के बारे में वॉन्ट करने के लिए पहुँच रहा था क्यूँकी उन्हें भी विल्टर मॉट का सामना करना है और वो लोग एज ए टीम बन उनका सामना करना चाहते है लेकिन साथ ही वो मार्क को इस बारे में भी वॉन्ट करता है की माइट इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते तो याद रखना वो लोग वापस आएंगे जिसके लिए मार्क रेडी है और यहाँ पर इनविजिबल सीजन का ये पूरा एनवे खत्म होता है जिस बारे में अब आप सभी की क्या यह बनती है उसे लेकर आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकेप के साथ अब तक लिए आप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियो को इन्जॉय कीजिए टिल देन